नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल टॉक विद पुनीत में। फ्रेंड्स, आज के इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भर्ती 2020 के बारे में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पदों पर भर्ती आई है और यहाँ पर योग्यता है सिर्फ ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही किसी भी स्टेट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म के भरने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2020 है, तो इसी के बारे में आज मैं आपको दूंगा सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टॉक विद पुनीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं IGCAR JRF रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ने इसके नोटिफिकेशन को जारी किया है और अभी हाल ही में इस वैकेंसी को जारी किया गया है। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च में वैकेंसी है और इसी को तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं IGCAR JRF रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया है और ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का नंबर है। वहीं पर अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पदों पर भर्ती आई है। टोटल यहाँ पर 30 पदों पर भर्ती होगी और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो कलप्पम तमिलनाडु के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। वहीं बात करें अगर हम फॉर्म की शुरुआत की, तो फॉर्म की शुरुआत 16 मार्च 2020 से हो चुकी है और इसका लास्ट डेट 3 अप्रैल 2020 था, बट अभी लॉकडाउन की वजह से इसके डेट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब आप 30 अप्रैल तक इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं IGCAR.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एक बार इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में पूरा जानकारी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही बात करें तो यहाँ पर 28 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म का फिलअप भर सकते हैं, साथ ही कुछ अधिक उम्र के भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिटेल में जानकारी के लिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके गेट के स्कोर को देखा जाएगा, उसके बाद रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका 3 मई को होगा 2020 में, चेन्नई के अंदर आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट किया जाएगा। वहीं बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है और कम्प्लीटली आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही जब आपको इसकी पूरी जानकारी समझ में आ जाए तो आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करके। फॉर्म को फिलअप करके आपको पूरा सबमिट करना होगा और इसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्रोवाइड की हुई है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।